कितने, तो मिंग के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है साधारण मिंग जिसे हम सिंपल फ्रिक्शन बोलते हैं, दूसरा हमारा होता है दशमलव भिन्न जिसे हम डेसिमल फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी साधारण मिंग क्या होती है, एक ऐसी भिन्न जिसमें अंश को हर से भाग देने पर, जिसको जिसमें अंश को हर से भाग देने पर वह पूर्ण विभाजित नहीं होती, तो इस प्रकार की भिन्न को हम साधारण मिंग कहते हैं। जैसे कि 5/6, 3/7 एक्सेट्रा। ठीक है, यदि हम 5/6 को 5 को 6 से भाग देंगे तो वो पॉइंट में ही चलता रहेगा, उसका मतलब कभी भी वह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी, तो वो भिन्न क्या कहलाएगी हमारी, वो भिन्न हमारी साधारण भिन्न कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें हर हर 10 अथवा 10 की कोई घात होती है। ठीक है, जिसमें हर जो होता है वो 10 अथवा 10 की कोई घात होता है, जैसे कि 1/10, 1/100, 1/1000। ठीक है, या फिर 1/10^1, 1/10^2, 1/10^3। ठीक है, इस टाइप में, ठीक है, इस टाइप में हो तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी दशमलव भिन्न कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यदि भिन्न में हर का मान, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भिन्न में हर का मान है वो 10 में परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक है, तो प्राप्त संख्या दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे कि जैसे हमारे पास 3/5 है, 3/5। ठीक है, यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, अंश को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ और हर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास अंश आ जाता है 6 और हर आ जाता है मेरे पास 10। ठीक है, तो ये जो आती है हमारे पास कि भाई कह रहा है ना, दूसरे शब्दों में यदि भिन्न में हर का मान पहले क्या था, 5 था, उसके बाद हमने उसको किसे परिवर्तित कर दिया, 10 में परिवर्तित कर दिया, तो जो प्राप्त संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, दशमलव भिन्न कहलाएगी। ठीक है, 0.6 ये हमारी दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है, जो डेसिमल होता है उसमें जो देसिक अर्थ होता है वो दसवां भाग होता है, यानी कि किसी भी संख्या का दसवां भाग दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे 2.57, 0.54, 111.56। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, डेसिमल दशमलव भिन्न कहलाती है। जब भी हम दशमलव भिन्न बोलते हैं, ठीक है, तो हम जो पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जो संख्या लेते हैं वो एक 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 में लेते हैं, जैसे कि 2.57, 0.54, 111.56। ठीक है, तो ये हमारी दशमलव भिन्न कहलाती है। अभी हमने फ्रिक्शन भिन्न के दो पार्ट किए थे, दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न के बारे में। अब साधारण भिन्न के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट आता है सम भिन्न। ठीक है, सम भिन्न को हम उचित भिन्न भी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रिक्शन भी कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकंड नंबर पे विषम भिन्न। ठीक है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन भी बोलते हैं। थर्ड नंबर पर आता है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रिक्शन। अब हम तीनों के डेफिनेशन के बारे में कहेंगे, सम भिन्न और उचित भिन्न, ठीक है, या फिर प्रॉपर फ्रिक्शन, ये क्या होता है। ठीक है, सम भिन्न होती है उसमें जो अंश होता है, उसका जो अंश होता है, ठीक है, वो हमेशा छोटा होता है हर से। ठीक है, प्रॉपर फ्रिक्शन की यही पहचान होती है कि भाई जो अंश होता है उसका हर से छोटा होता है। जैसे कि 1/2, 3/4, 4/5, 7/8, तो इन सब भिन्न में हमने क्या देखा है, इसका जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है। ठीक है, अंश क्या है, हर से छोटा, तो ये भिन्न हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी भिन्न सम भिन्न कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है विषम भिन्न। जो विषम भिन्न होती है वो क्या होती है, विषम भिन्न में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। विषम भिन्न क्या होती है, अंश भिन्न का इसका सम भिन्न का अपोजिट होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका अंश बड़ा होगा और छोटा होगा, यानी ठीक है, अंश क्या होगा, बड़ा होगा और हर आपका छोटा होगा। ठीक है, जैसे कि 5/4, 7/6, 11/9 etc. ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएगी, हमारी विषम भिन्न कहलाएगी। ठीक है,
इसमें क्या है, इसमें हमारा जो अंश है वो बड़ा होगा इससे हर से। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड मिश्रित भिन्न क्या कहलाती है, ठीक है। मिश्रित भिन्न क्या होती है, ये दो पार्ट से मिलके बनी होती है। मिश्रित भिन्न जो आपकी मिक्स फ्रिक्शन है वो दो पार्ट के मिलके बनी होती है। पहला पूर्णांक होता है, एक संख्या उसमें पूर्णांक होती है, ठीक है। और दूसरी संख्या आपकी हमारी संभिन्न होती है। दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, संभिन्न होगी, ठीक है। जैसे कि एक से ही 3/4, इसमें जो एक है वो हमारा क्या पूर्णांक है, इसको हम व्होल नंबर भी बोल सकते हैं। वो जो 3/4 है वो हमारी क्या, वो हमारी संभिन्न, ठीक है। जैसे कि 3 से ही 2/5, ठीक है। 5 से ही 7/8, ठीक है। 6 से ही 11/13, ठीक है। तो इन सब में क्या है, एक तो पूर्णांक आया हुआ है, ठीक है, दूसरा संभिन्न साथ में आई हुई है, ठीक है। तो हमारी मिश्रित भिन्न क्या कहलाएगी भाई, दो पार्ट से मिलकर बनी होगी, जिसमें एक हमारा पूर्णांक होगा जिसे हम इंग्लिश में बोल नंबर बोलते हैं, और एक हमारा संभिन्न होगा, ठीक है। तो ये प्रकार हमारे यहाँ साधन।